मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स में कल हमने उसकी डिफिनेशन पढ़ ली थी, आज हमको उसके आगे पढ़ना है। उसके आगे क्या पढ़ना है, यहाँ तक हमने पढ़ा था अ नेमिंग वर्ड इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग्स। एक नेमिंग वर्ड एक पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग के नाम है। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान या वस्तु के नाम है, उसे क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं। वर्ड्स लाइक मोहन, जॉन, कमला, इंडिया एंड मुंबई आर आल्सो नेमिंग वर्ड्स। वर्ड्स लाइक मीन्स वर्ड्स की तरह, किन वर्ड्स की तरह, मोहन, जॉन, कमला, इंडिया एंड मुंबई। आर मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, नेमिंग वर्ड्स मीन्स नेमिंग वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स की तरह मोहन, जॉन, कमला, इंडिया, मुंबई और मुंबई भी नेमिंग वर्ड्स हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस काइंड ऑफ नेम्स इन द नेक्स्ट यूनिट। यू विल लर्न, यू मीन्स आप, विल मीन्स विल लर्न मीन्स सीखोगे, अबाउट मीन्स के बारे में, दिस काइंड मीन्स इस प्रकार, ऑफ मीन्स के, नेम्स मीन्स नामों, इन द नेक्स्ट यूनिट में, अगली यूनिट में, आप अगली यूनिट में नामों के इन प्रकारों के बारे में सीखेंगे। ठीक, आप अगली यूनिट में इन नामों के इन प्रकारों के बारे में सीखेंगे। हियर आर फर्दर एग्जाम्पल ऑफ नेमिंग वर्ड्स। हियर आर मीन्स यहाँ है, फर्दर मीन्स दूसरे, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, ऑफ नेमिंग वर्ड्स मीन्स नेमिंग वर्ड्स के, यहाँ नेमिंग वर्ड्स के और अन्य भी उदाहरण हैं। फर्स्ट है नेम्स ऑफ पर्सन्स, मीन्स पर्सन्स के नेम कौन कौन से होते हैं, कौन पर्सन होता है, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। जैसे टीचर, टीचर मीन्स क्या होता है, अध्यापक, नर्स, नर्स जो डॉक्टर के साथ रहती है, सन, सन मीन्स पुत्र, मदर मीन्स माता, सिस्टर मीन्स बहन, अंकल मीन्स चाचा, कृष्णा एक नाम है, अब्दुल, अब्दुल भी एक नाम है, सेला, सेला भी एक नाम है। तो इसमें क्या हो गया, टीचर, नर्स, सन, मदर, सिस्टर, अंकल, कृष्णा, अब्दुल, सैला, तो ये सब आपके क्या हो गए, पर्सन्स नेम, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ पर्सन्स, ये सब पर्सन्स के नेम हो गए। और सेकेंड आपका क्या दिया गया है, नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको एनिमल्स और बर्ड्स के नेम यहाँ दिए गए हैं कि कौन से एनिमल्स होते हैं और कौन से बर्ड्स होते हैं, इसमें आपको बताना है। जैसे डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता, कुत्ता क्या है, एक एनिमल है। लायन, लायन मीन्स शेर, शेर भी एक एनिमल है। हॉर्स, हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा, घोड़ा भी एक एनिमल है। आउल, आउल मीन्स होता है उल्लू, उल्लू एक बर्ड है। ईगल, ईगल मीन्स गरुड़ पक्षी, गरुड़ क्या है, वो भी एक बर्ड है। हैन मीन्स होता है मुर्गी, मुर्गी भी एक बर्ड है। तो इस तरह से आपको एनिमल्स और बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, क्या क्या है, डॉग, लायन, हॉर्स, आउल, ईगल, हैन। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम्स ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस के नाम मीन्स स्थानों के नाम, क्या है इसमें, प्लेस कौन सा है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें प्लेस के जितने भी नाम दिए गए सब एक प्लेस है, जैसे मार्केट, स्ट्रीट, हिल, जू, सिंगापुर, हैदराबाद, कोलकाता। प्लेसेस के नाम में कौन कौन से, मार्केट मीन्स बाजार, स्ट्रीट मीन्स सड़क, गली, हिल मीन्स पहाड़, जू मीन्स चिड़ियाघर, सिंगापुर एक कंट्री है, देश है, देश का नाम है, हैदराबाद, कोलकाता, ये सब एक प्लेस है, ये सब एक प्लेस है। मार्केट भी एक प्लेस है, स्ट्रीट भी एक प्लेस है, हिल भी एक प्लेस है, जू भी एक प्लेस है, सिंगापुर, हैदराबाद, कोलकाता, ये सब एक प्लेस है। नेम्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स के नेम मीन्स इसमें थिंग्स कौन कौन सी हैं, उनके नेम दिए गए हैं, इसको आपको स्टडी करना है। फर्स्ट क्या दिया गया है, क्लॉक, क्लॉक मीन्स क्या होता है, घड़ी, चेयर मीन्स कुर्सी, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर, मोटर बाइक, स्पून, शुगर, मैंगो। स्पून, स्पून मीन्स क्या होता है, चम्मच, शुगर मीन्स चीनी, मैंगो मीन्स आम, ये सब आपके क्या है, थिंग्स नेम है, नेम्स ऑफ थिंग्स हैं। तो
इसमें आपको पता चल गया कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड्स किसी भी पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग्स के नेम हैं। जो पर्सन, प्लेस और एनिमल, बर्ड और थिंग्स के नेम को क्या कहते हैं, हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। इसमें आपका पर्सन्स के नेम दिए गए हैं, एनिमल्स और बर्ड्स के नेम दिए गए हैं, प्लेसेस के नेम दिए गए हैं, थिंग्स के नेम दिए गए हैं। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं। तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। आइए अब आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपको होमवर्क में क्या करना है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं ये आपको लिखना है। व्हाट इज अ नेमिंग वर्ड, तो आप क्या लिखेंगे, अ नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल एंड थिंग्स। इसका आपको आंसर लिखना है, अ नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको बस इतना ही लिखना है कि नेमिंग वर्ड होता क्या है, बस उसमें क्या क्या आते हैं, बस इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप सिंपली लिखेंगे अ नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, बर्ड, एनिमल और थिंग। ओके, सेकेंड है राइट द फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड राइट द फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ अ नेमिंग वर्ड। आपको नेमिंग वर्ड्स के फाइव एग्जाम्पल लिखने हैं। तो नेमिंग वर्ड्स के फाइव एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, पहले पर्सन में लिखेंगे, फर्स्ट क्या आता है, पर्सन आता है। पर्सन में आप क्या लिखेंगे, पर्सन में आप लिखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर एक पर्सन है ना। फिर प्लेस लिख दीजिएगा, प्लेस क्या है, कोलकाता, मुंबई, कुछ भी लिख दीजिएगा। फिर पर्सन प्लेस एनिमल्स, एनिमल्स में आप क्या लिखेंगे, एनिमल्स में लायन, टाइगर, कुछ भी, जो भी एनिमल्स के नेम आपको लर्न हो उसका नाम लिख दीजिएगा। और फिर क्या आता है, बर्ड्स, बर्ड्स में ईगल, आउल, पिकॉक, कुछ भी, जो भी बर्ड्स के नेम आपको लर्न हो आपको लिख दीजिएगा। और क्या आता है, थिंग, थिंग में आप क्या लिखोगे, थिंग में कोई भी चीज, टेबल, चेयर, डेस्क, कुछ भी लिख दीजिएगा, जो भी आपको थिंग्स में लर्न हो आप अपना लिख दीजिएगा। आपको फाइव एग्जाम्पल्स कोई भी लिखते हैं, लेकिन वो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबसे